अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे सबक नंबर 12। सबक का नाम होगा गुफ्तगू। जैसा कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कल अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपने चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ लिया है, और आज पढ़ेंगे आप सबक नंबर 12 चैप्टर नंबर 12। और इससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो कुछ और थे, जैसे कि उसमें कुछ आपको खाका मिला होगा, नंबर 2 में मिला होगा आपको मजमून, और नंबर 3 मिला होगा आपको इंशाइया, और 4 में आपको दास्तान, और 5 में आपको मिला होगा अफसाना, और 6 में आपको मिला होगा खतूत। ये वो तमाम चीज़ें थे जो इम्तहान में पूछे जाते हैं। और आज जो आप पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे नज़म। इंशाल्लाह 5 चैप्टर है जो सिर्फ नज़म ही की तरफ से है, इसको हम मंजूम भी कहते हैं, इसको नज़म कहते हैं, यानी शायरी है। और ये 5 चीज़ को आपको जानना होगा और पढ़ना होगा, चूँकि ये नज़म का चैप्टर है। इसमें 5 चैप्टर आपको मिलेंगे जो आपको पढ़ना होगा। नंबर 1 चैप्टर का नाम क्या है? गुफ्तगू। ये गुफ्तगू सबक लिखने वाले कौन है आपको जानना होगा। ये गुफ्तगू लिखने वाले हैं जनाब अली सरदार जाफरी साहब। इम्तहान में बहुत ही क्वेश्चन आता है, ये बीबीए क्वेश्चन से हो सकता है। पूछते हैं कि गुफ्तगू सबक कितने लिखा है, तो क्या बताएंगे? अली सरदार जाफरी। और जितने इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन आपको वीडियो जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है उससे आपको मिल जाएंगे। ये आपको पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज कौन से सवाल आते हैं जो आपको पढ़ना है। देखिए, सवाल नंबर 1 में है, दर्ज ज़ैल इकतबास को पढ़िए और उसकी रोशनी में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। ये कह रहा है इकतबास, क्या लिखा है? इकतबास। इकतबास किसे कहते हैं? जिसको आप हिंदी में गदांश कहते हैं, यानी कि उसको पढ़ना है और पढ़ने से उसी में आपको जवाब आपको निकालना है कि क्या उसको कहते हैं। देखिए लिखा है, सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बसद लग्ज़िश पा आएगा, नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगी कांपेंगे, नजरें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे कांपेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। ये जो आपने पढ़ लिया, इसको बोलते हैं उर्दू में इकतबास, उसी को पढ़ते हिंदी बोलते हैं गदांश, यानी इसको पढ़ करके इसी जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको जवाब देना है। लिखा है 1 में हरफ वफा, ऊपर जो आया था पहले लाइन में कि हरफ वफा से आप क्या समझते हैं। लिखा है पे हरफ वफा से आप क्या समझते हैं, तो इसको उसको क्या कहते हैं? लिखा है हरफ वफा से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब देखिए। हरफ वफा से मुराद मोहब्बत है। क्या स्टूडेंट? मोहब्बत। इम्तिहान पूछ सकता है मोहब्बत, नफरत, बगावत, इज्जत, क्या समझेंगे आप? मोहब्बत है। यह हरफ वफा सुबह तक ढलने के बाद आएगा, कब तक आएगा? सुबह तक ढलने के बाद आएगा। इसकी कैफियत ये होगी कि ऐश बनकर आएगा, जब आएगा तो निगाहें झुक जाएंगी, दिल धड़कने लगेंगे और होंठ कांपने लगेंगे। यह हरफ वफा का मतलब हो गया और उसे यही बताया जाना चाहते हैं शायर। देखते हैं सवाल उसके 2 में आता है, इश्क किस तरह आएगा, इश्क किस तरह आएगा। ऊपर में जो है उसका दूसरा लाइन है, इश्क किस तरह आएगा, लग्ज़ पा के क्या माना है, लग्ज़ पा के क्या माना है। देखिए जवाब लिखा है, लग्ज़ पा के माना लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ। लग्ज़ कहते हैं खता को, और पाँव कहते हैं, लग्ज़ कहते हैं कांपने को, लड़खड़ाने को, और पा कहते हैं पैर को। मालूम हुआ कि लड़खड़ाते हुए पाँव को कहते हैं लग्ज़ पा। यानी इश्क में भी, इश्क भी इसी तरह लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा कि होंठ कांपते, दिल धड़कते हुए, नज़र झुकाए हुए इश्क आएगा। उस वक्त खामोशी और सुकूत ऐसी होगी कि गुंचों के चटकने की आवाज़ साफ सुनाई देगी। स्टूडेंट, उस जो ऊपर में आपको गदांश दिया गया था, इकतबास दिया गया था, उससे रिलेटेड ये 2 ही क्वेश्चन इम्तिहान में आते हैं जो आपको दे दिया गया। देखते हैं सवाल में आता है कि नज़म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा लिखिए। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है आपके, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और आपको इम्तिहान की तैयारी इसको करना होगा, 2 से 3 बार आपको सुनना होगा, और फिर आपको इंशाल्लाह पीडीएफ भी दे देंगे, आपको मिल जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, नज़म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा लिखिए। जवाब में लिखते हैं कि ज़ेर निसाब नज़म गुफ्तगू के खालिक सरदार जाफरी हैं। खालिक कहते हैं, ऐसे तो कहते हैं अल्लाह ताला को पैदा करने वाले को, लेकिन जब लिखने की बारी है तो बोलेंगे खालिक, उन्हें राइटर हम बोलेंगे, मतलब क्या है? राइटर। खालिक सरदार जाफरी हैं। ये नज़म उन्होंने हिंदू पाक मसाइल के पस मंजर लिखी है, और दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से निजात की तरकीब भी बताई है। शायर दोनों मुल्कों की तारीख से भी वाकिफ़ है, इसलिए उन्होंने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों को, हुक्मरान कहते हैं बादशाहों, हुक्मरानों को मशवरा दिया है कि उन मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए ढूंढा जाना चाहिए। गुफ्तगू एक ऐसी
चीज है जिससे दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं। शायर को भी हिंदू पाक के मसाइल का हल गुफ्तगू में ही नजर आता है, इसलिए वो चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसी मुलाकात हो जो इतनी तवील हो कि दोनों ममालिक के आपसी मसाइल और दुश्मनी आखिरकार खत्म हो जाए। स्टूडेंट आपने सुन लिया, इसका निचोड़ निकला कि जो इसके राइटर हैं अली सरदार जाफरी, वे नज़म गुफ्तगू को पेश करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे दो मुल्कों के दरमियान अगर तजाद है, इख्तलाफात है, लड़ाई झगड़े हैं, उन चीज़ों को हम लड़ाई से उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर इंसान चाहे दोनों में मोहब्बत पैदा करना दोनों देशों के अंदर, दोनों देशों के मुल्कों बादशाहों को यानी हाकिम जो हैं उन दोनों को बैठ करके आपसी गुफ्तगू कर सकते हैं, तो आपसी गुफ्तगू से बड़े मसाइल सुलझ सकते हैं और उलझे मसाइल भी आप सुलझा सकते हैं। इसलिए इस नज़म गुफ्तगू का खुलासा ही निकला कि नज़म के अली सरदार जाफरी ये चाहते हैं इस नज़म को पेश करके आवाम को बताना और दोनों यानी कि दो मुल्क जो है वहाँ पर लड़ाई होती है उन दोनों को बताना चाहते हैं कि आप अगर चाहें तो बात के जरिए गुफ्तगू मीन्स बात के जरिए से आप अपने मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं, न कि गोली और बारूद से। ये उनके कहने का मकसद है। ये हो गया, देखते हैं सवाल नंबर तीन में क्या है कि दर्ज ज़ैल इक़्तबास की तशरीह अपनी ज़ुबान में करें। इक़्तबास फिर वही आ गया गदांश, यानी इसको पढ़ लेना है, चार लाइन का जो ये शेर है इसको पढ़ लेना है, इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके जवाब आपको देना है। देखिए लिखा है तशरीह में, मन दर्जब बाला इक़्तबास सरदार जाफरी के जेर नसाब नज़म गुफ्तगू से माखूज है। माखूज मीन्स लिया गया, यानी जो आपको ये चार लाइन का शेर दिखाया गया ये चार लाइन जो है नज़म गुफ्तगू से लिया गया है। ये नज़म दरअसल हिंदू पाक के मसाइल के पस मंजर लिखी गई है। इस इक़्तबास में सरदार जाफरी ने आपसी मसाइल के हल के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मसालेहाना गुफ्तगू की मंजर कशी की है। चुनांचे शायर फरमाते हैं कि दोनों मुल्कों के हुक्मरान जब एक दूसरे से मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू करेंगे तो उनसे बैनुल अक्वामी अमन को भी फ़रोग मिलेगा। दोस्ती का हाथ इस तरह बढ़ाया जाए कि वह दर्द का तोहफा और प्यार की सौगात समझ साथ में हो। मोहब्बत का जज्बा ऐसा हो कि दुश्मन के रेग जारों से साफ बचकर निकल जाएं और खून के दरियाओं को पार करके एक दूसरे से भाई की तरह मिल जाएं। स्टूडेंट आपने सुना इक़्तबास का मतलब, इसका खुलासा ये निकलेगा कि सरदार अली जाफरी जो इस शेर के इस नज़म के राइटर हैं वो कहना चाहते हैं कि इंसान अगर दुनिया के अंदर किसी मसाइल में उलझ जाए तो उस मसाइल का उलझ का यानी कि उस मुश्किलात का सामना लड़ाई और झगड़ा नहीं है बल्कि आपसी मोहब्बत है। इंसान अगर गुफ्तगू के जरिए चाहे, बात के जरिए चाहे तो बड़े से बड़े मसाइल को सॉल्व कर सकता है। इसको आप इजली आसानी से इम्तिहान में लिख सकते हैं। इसका निचोड़ हो गया, आइए देखते हैं वो सवालात जिसको लॉन्ग बोलते हैं यानी कि तवील सवालात जिसको आपकी किताब में लिखा होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किताब उठाकर दरस का कशा हिस्सा टू में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। इसका नाम होता है तवील सवालात यानी तफसीली गुफ्तगू आते हैं। दूसरा सवाल नंबर एक में कि नज़म गुफ्तगू में शायर किन ख्यालात का इजहार किया है, यानी सवाल पूछ रहा है कि नज़म गुफ्तगू जो शायर ने लिखा है उस अली सरदार जाफरी ने उसने किन मसाइल को उसमें पेश किया है। तो बता रहे हैं कि ज़ेर निसाब नज़म गुफ्तगू में शायर ने हिंदू पाक दोस्ती के मौजू पर इजहार ख्याल किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा कशीदगी बरकरार रहती है। 1947 से पहले हिंदू पाक दोनों मुल्क एक ही थे यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे और हुकूमत बरतानिया के गुलाम थे यानी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। दोनों मुल्क की आवाम ने मिलकर एक साथ आज़ादी की जंग लड़ी और अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ादी हासिल किया। आज़ादी तो मिल गई मगर आज़ादी के साथ मुल्क के तकसीम की मुसीबत भी साथ लाई। अब तक जो हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान बड़ी कौमें हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहती आई थी वह दोनों कौमों के दरमियान दुश्मनी हो गई। इसलिए ये नज़म गुफ्तगू पेश करके शायर ये बताना चाहते हैं, इसका निचोड़ ये निकला कि इस नज़म के अंदर शायर अली सरदार जाफरी ये बताना चाहते हैं कि भाइयों अगर आप चाहते हो इंसान से मोहब्बत पैदा हो जाए और एक देश से दूसरे देश से लगाव पैदा हो जाए तो इससे इसका हल लड़ाई और झगड़े नहीं है, गोली और बारूद नहीं है बल्कि बैठ कर के एक जगह गुफ्तगू के जरिए से मसाइल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर शायर पेश कर रहे हैं और अपने दिल की इजहार ख्याल कर रहे हैं। देखते हैं सवाल नंबर दो में, नज़म गुफ्तगू के शायराना खूबियों को वाज़ह कीजिए। नज़म गुफ्तगू के शायराना यानी कि जो ये इसमें शायरी किए हैं इस शायरी की खूबियाँ क्या है, खसूसियात क्या है, इसको बयान करने के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखेंगे जवाब में कि नज़म शायरी की एक अहम सिंफ है
किसी एक मौजू का मरकज़ बनाकर नज़म की तख्लीक की जाती है। गज़ल में हर शेर मौजू और ख्याल के अतबार से अलहदा होता है, लेकिन नज़म में किसी एक ख्याल को ही मरकजियत हासिल होती है। नज़म गुफ्तगू सरदार अली जाफरी की बेहतरीन नज़मों में से एक नज़म है। इस नज़म को उन्होंने हिंदू पाक दोस्ती के नाम मंसूब किया है और नज़म में उन्होंने मुल्क के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से निजात की तरकीब बताई है। नज़मों के साख्त को अदब की ज़बान में हैत कहते हैं। क्या कहते हैं? हैत कहते हैं। ज़ेर नसाब नज़म गुफ्तगू हैत के अतबार से आज़ाद नज़म है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि इम्तहान में आता है कि गुफ्तगू नज़म कैसी नज़म है, आज़ाद नज़म है या पाबंद नज़म है या और कुछ है, तो आपको लिखना होगा गुफ्तगू नज़म आज़ाद नज़म है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में हर हाल में आता है। याद करना है कैसी नज़म है, आज़ाद नज़म। कैसे आज़ाद नज़म है, आपको पाबंद नहीं चुनना है। ये नज़म दरअसल हिंदू पाक के आवाम के नाम एक पैगाम है जिसमें शायर ने गुफ्तगू को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस नज़म में शायर ने यह पैगाम दिया है कि कल तक जो हम एक दूसरे पर तंज करते थे, जहर घोला करते थे, एक दूसरे को टेढ़ी निगाह से देखा करते थे, आज गिले शिकवों को मिटाकर एक साथ मिल बैठकर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। कल तक जो हम एक दूसरे को पत्थर मारा करते थे, आज इन हाथों से दोस्ती का हाथ लेना, थाम लेना बेहतर है। इन सादा से अलामती अल्फाज में शायर ने गुफ्तगू के जरिए दोस्ती का पैगाम दिया है। स्टूडेंट, आपने सुना। अब इसका खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला जो पीछे से तीनों आ रहा है, सब बात वही है कि इस नज़म के अंदर शायर जो है पैगाम देना चाहते हैं कि भाई हम चाहें तो अपने किसी भी बड़े से बड़े मसाइल को, किसी भी परेशानियों को हम इंसान बैठ करके गुफ्तगू के जरिए से मसले को सॉल्व कर सकते हैं। इस नज़म के अंदर यही पैगाम इन्होंने दिया है। और इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सरदार जाफरी के शायरी से अपनी वाकफियत का इजहार करें, यानी उनके अंदर क्या कैपेसिटी थी, क्या उनकी सलाहियत थी, क्या उनके पढ़ने का और शेर शायरी का अंदाज़ था, इसके बारे में अपने अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, पूछा जा रहा है। जवाब देंगे कि जदीद उर्दू शायरी में सरदार जाफरी की शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं। का मतलब इनको ये बताना जरूरत नहीं कि कितने बड़े थे, मतलब यह कि बहुत बड़े काबिल आदमी थे जो उर्दू शायरी में एक मकाम रखते थे। जदीद नज़म नगार शायर की हैसियत से उन्होंने अपनी एक शनाख्त बना ली है। सरदार अली जाफरी का शुमार तरक्की पसंद तहरीक के मेमारों में शुमार होता है। स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, इम्तहान में आता है कि तरक्की पसंद तहरीक के शायर कौन है, तो आपको चुनना होगा कि अली सरदार जाफरी हैं। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है और इम्तहान में आता भी है। आज़ादी के बाद जब सज्जाद जोहर पाकिस्तान चले गए, तब सरदार जाफरी को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। यह आपने सुना। आगे देखिए, सरदार जाफरी ने यूं तो अपनी अदबी जिंदगी का आगाज़ अफसाना नगारी से शुरू किया था और 1963 में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शायर भी हुआ, एक मंजिल उनका अफसाना है। लेकिन उसी ज़माने में वह शायरी की तरफ मुतवज्जा हो गए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे, यानी कि आगे बढ़ते गए। परवाज खून की लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहन और लहू पुकारता है उनके अहम शेरी मजमूए हैं। ये तमाम चीज़ों को आपको याद करना हो, किताबों को इम्तहान में पूछ सकता है कि खून की लकीर किसी किताब है, पत्थर की दीवार किसी किताब है, और एक ख्वाब किसी किताब है, पैराहन किसी किताब है, लहू पुकारता है किसी किताब है। आगे आ रहा है उनकी और किताबें, एशिया जाग उठा और नई दुनिया को सलाम। इन तमाम किताबों को आपको रटना होगा, किसी एक किताब को देख करके पूछ सकता है कि किसी किताब है, तो आपको चुनना होगा अली सरदार जाफरी की। स्टूडेंट, इनकी तवील नज़में हैं जिनसे सरदार जाफरी के मुशायराना पुख्तगी का पता चलता है। शायरी में सरदार जाफरी ने पाबंद और आज़ाद दोनों किस्म के नज़में लिखी हैं, लेकिन आज़ाद नज़म की साख्त इन्हें ज़्यादा मरगूब है, यानी पसंद है, और उसी हयात में उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार छोड़ा है। स्टूडेंट, आपने समझा, मालूम हुआ कि इस सवाल का निचोड़ ये निकलता है कि सरदार जाफरी दुनिया के उर्दू शायरों में बहुत अच्छे और काबिलियत के अतबार से बहुत बड़े शायर थे अली सरदार जाफरी, जिन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, जिन नज़म और बहुत सारी किताबें लिखी, जिनको हमने आपके सामने पेश किया। ये तमाम आपको एक से दो बार पढ़ना होगा। इंशाल्लाह आपको अगर ख्वाहिश होगी तो आपको PDF भी हम दे देंगे, जिसके जरिए से आप पढ़ करके आराम से और आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।